हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फूड एंड लाइफस्टाइल में। तो आज मैं बहुत बढ़िया सी ब्रेकफास्ट रेसिपी लेके आई हूँ सूजी ढोकले की। तो चलिए इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। एक कटोरी मैंने सूजी ले लिया है, लगभग आधा चम्मच इसमें नमक डाल दिया है और लगभग 2 बड़े चम्मच इसमें मैं दही डाल रही हूँ। इस तरह से मैंने दही को ले लिया है और ये डाल दिया है, और साथ ही साथ मैंने अदरक और मिर्ची को पीस के इस तरह से मैंने उसका पेस्ट तैयार कर लिया था। मुझे सिर्फ उसका पानी लेना है, ये ले लिया है। साथ ही साथ डाल दिया है लगभग आधा बड़ा चम्मच धनिया की पत्ती, और सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ। और मैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी, लगभग आधा कटोरी पानी डाला है। और इन सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना रहे। और इस तरह से बढ़िया सा फेंट के मैंने इसको 5 मिनट रख दिया है। अब मैं डाल दूँगी लगभग आधा चम्मच इनो, और इनो डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैंने ले लिया है एक ये बर्तन, और उसको ऑयल से अच्छे से मैंने स्प्रे डाल दिया है, और मैं इस सारे बैटर को मैं इसमें डाल दूँगी। गाइस, ये बहुत बढ़िया सी रेसिपी है, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी डिश है। अब मैंने एक बॉयल्ड पानी रख दिया था बर्तन में, अब मैं इसमें डाल दूँगी इस ढोकला का जो मैंने ये पेस्ट तैयार किया था। अब मैं कवर लगा के इसमें धीमी आंच में कम से कम 10 मिनट मुझे हमें पकने देना है। तब तक मैं आलू का मसाला तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने चढ़ा दिया एक पैन, आधा चम्मच डाल दिया है देसी घी, अब डाल दिया है मैंने लगभग आधा चम्मच सरसों के दाने को, और थोड़ा सा इसको क्रैक हो जाने देते हैं। और उसके बाद मैंने एक आलूओं को बॉयल करके काट के रख लिया था, वो इस तरह से मैं इसमें डाल दूँगी। और डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़े से मसाले। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया है इसमें थोड़ा सा नमक, लगभग आधा चम्मच। साथ ही साथ डाल दिया है मैंने धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्ची और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। सारी चीज़ों को डालने के बाद मुझे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और साथ ही साथ डाल दूँगी मैं इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती को, और इसके बाद जो चीज़ स्प्रेड आता है मार्केट में मैंने उसको डाल के इसमें मिला के रख लिया है। अब मैंने ले लिया है ये ढोकलों को, देखिए इस तरह से मैंने एक चाकू डाल के चेक कर लेते हैं, बिल्कुल साफ चाकू आ रहा है, इसके मतलब मेरा ढोकला रेडी हो गया है, मसाला मेरा रेडी है। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने ढोकलों को इस तरह से प्लेट में निकाल लिया है, थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं। उसके बाद मैंने इसके पीसेस को कर लिया है कट, अच्छे से मैंने इसको चौकोर साइज़ में कट कर लिया है। आप अपने हिसाब से अपने पसंद का इसको शेप बना सकते हैं। उसके बाद मैंने बीच से कट करके चटनी लगाई है ग्रीन, और जो मैंने आलू का मसाला तैयार किया था वो लगा दिया है, और दूसरे सैंडविच के ढोकले से इसको कवर लगा के अच्छे से ऑयल लगा के मैंने सेक लिया है। देखिए कितना बढ़िया करारा नाश्ता, हेल्दी नाश्ता बिल्कुल बन के रेडी है। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व करिए, सॉस के साथ करिए, बहुत अच्छा लगता है गाइज। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।